अजीब सर का सवाल, आप सब काफी पुराने चेहरे भी हैं, नए चेहरे भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अपलाइन आपके लिए एक रास्ता बनाती है, आप कितना आपने उसमें चलना है, ये पार्ट आपका है। अगर हम 4 महीने पहले की बात करें तो मोदी गैर में मुझे कोई जानता नहीं है, मेरे अपलाइन में प्रदीप सर हैं, गिरीश सर हैं, जिसकी वजह से आज मुझे भी फायदा हो रहा है, आपको भी फायदा हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, आज जो हमें सेशन लेना है वो जो प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया, और वो प्रोडक्ट आपको पता ही है, एलोवेरा, आमला और हनी। सर ने अभी आपको बताया कि जो प्रोडक्ट हमें, अभी सर ने बोला निरोगी काया, निरोगी काया, अगर काया निरोगी है तो माया तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। हम बार बार आप क्या कहते हैं, फिट हैं तो हिट, अगर हम फिट हैं तो हम हिट हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहां सेशन में फीमेल्स वापस बहुत ज्यादा हैं, और आपके लिए अगर मैं सिर्फ आंवला को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूं तो मुझे लगता है शायद फीमेल की कोई प्रॉब्लम बाकी बचेगी, सिर्फ अगर आंवला को इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो। सेशन है, इन तीनों को हमें रिलेट करना है आज। And obesity. Or this is somewhat related to cholesterol also. अब इन तीनों प्रोडक्ट को अगर हम मार्केट में आज की बात करें, मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम की बात करें, तो मुझे लगता है हर तीसरा बंदा आपको हार्ट की प्रॉब्लम से मिल जाएगा, ओबेसिटी का मिल जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल है। मतलब अगर हमने सिर्फ इन तीन डिजीजेस को कैप्चर कर लिया तो मतलब हर तीसरा बंदा जो आपके सामने पूरे दिन में आ रहा है वो आपके लिए क्या है, कंसल्टेंट। अगर हम इन तीन चीजों को देख लें, और ये तीन चीज ही मैंने लिया है, और ये तीन डिजीज है हार्ट, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल, और ये तीन हमने प्रोडक्ट अगर उठा लिए मोदी केयर से, तो आप ये समझ सकते हैं हर तीसरा बंदा जो आपके सामने आने वाला है आपको 60% बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट आपसे लेने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, हम लोग ये देखते हैं कि हार्ट के बारे में पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे वर्क करता है, और हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का वहां जाके होने क्या वाला है, राइट। देखिए मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूं, मैंने आपको बोला दिस इज नॉट एक्यूरेट डायग्राम, क्योंकि डायरेक्शन ऊपर की तरफ होते हैं नॉर्मली, हम नीचे बना रहे हैं। कि आज के बाद आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में अगर कोई डिस्कस करता है आपसे तो मुझे नहीं लगता जो लोग यहां बैठे हैं उनको समझने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि सामने वाला हमसे बोल क्या रहा है। और जब हमारे सामने कोई डिजीज के बारे में कोई डिस्कस करता है और हमें पता है कि वो क्या क्या है तो डेफिनेटली वो आपका दिया हुआ प्रोडक्ट डेफिनेटली ले, अदरवाइज नहीं ले। तो देखिए ये 4 चैंबर्स होते हैं हार्ट में, 4 चैंबर्स होते हैं, मैं याद कर रहा हूं ये मेरा कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑरिकल, वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल,
राइट वेंट्रिकल, और ये आपके वेल्व है। क्या है? वेल्व। तो हम पूरा नाम बोलते हैं ईवी वेल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है उसको हम बोलते हैं ईवी वेल्व। क्या बोलते हैं? और ये जो वेल्व है इसको हम बोलते हैं सेमिल्यूनर वेल्व। क्या बोलते हैं? ये जो आपका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्या होता है? देखिए कैसे हमें प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट देने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली जाके काम कहाँ करना है, कैसे काम करना है, क्यों काम करना है, और इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है जिसकी वजह से काम करना है। जैसे हम छोटी सी बात कर रहे हैं अभी, अगर हम बात करें आंवला के बारे में बात करें, तो आंवला के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आंवला में ऐसी क्या चीज है जो हार्ट पे काम करे। तो एक मेटल आता है उसमें क्रोमियम। क्या आता है? क्रोमियम। क्रोमियम मेटल हार्ट में जो भी प्लाग इकट्ठा हुआ है, क्या इकट्ठा हुआ है? प्लाग का मतलब होता है डिपोजिशन। ऐसे डिपोजिशन अगर आ गए यहां, क्रोमियम मेटल है जो ये डिपोजिशन को क्या करता है? हटा देता है। प्लस में विटामिन सी। मैं अभी किसके बारे में बात कर रहा हूं? अभी मैं एक बार आंवला के बारे में बात कर रहा हूं। विटामिन सी और क्रोमियम जो प्रेजेंट होता है वो दोनों जो प्लाक्स इकट्ठे होते हैं उस प्लाक को क्या करता है? हटा देता है। और भी आंवला के कई सारे यूजेस है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम जो टॉपिक हमने डिसाइड किया आज हार्ट के बारे में बताना है, तो जिस पे सबसे ज्यादा काम करती है हम उसी टॉपिक को। देखिए लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। यहां लेफ्ट साइड में आपके क्या ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और ये वाला साइड जो है इसमें क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आ गई बात? अब यहां से ब्लड कहां जाना है? ये पूरी बॉडी के सेल्स में जाना है, पूरी बॉडी के सेल्स में जाना है। यहां से कलेक्ट होके ब्लड, यहां से कलेक्ट होके ब्लड यहां आना है, राइट ऑरिकल, ठीक है। यहां से ब्लड कलेक्ट होके जाना है लंग्स में, और लंग्स से ब्लड प्यूरिफाई होके कहां आना है? लेफ्ट। बात समझ आ गई? आगे बात समझ में? ब्लड आपका, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां से ऑरिकल से कहां आया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहां आया? बॉडी सेल्स। बॉडी सेल ने वो ऑक्सीजन लिया ब्लड से, और जो भी आपने खाया, जो भी यूजफुल चीजें खाया वो भी सेल ने लिया। अब सेल के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस वेस्ट प्रोडक्ट को इस ब्लड में डाला, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाला। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो वेस्ट प्रोडक्ट यहां से होता हुआ कहां पहुंच गया? राइट ऑरिकल। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से यहां, यहां के बाद कहां है? लंग्स में। लंग्स ने उसको क्या दिया? वापस ऑक्सीजन दिया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और ये प्योर ब्लड कहां चला गया? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर प्योर कहां? सेल। पूरा पूरा सिस्टम जो ब्लड का सिस्टम है उसको हम लोग अपनी बॉडी में कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए मैं ये एक सिंपल लैंग्वेज में आप बात करता हूं। अगर मैं ये दिल्ली का रिंग रोड ले लूं, ये मैं दिल्ली का रिंग रोड ले लूं, इसी को मैं बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको देता हूं। ये मैं दिल्ली का रिंग रोड ले लूं और रिंग रोड पे यहां पे मैं जाम लगा दूं, ट्रैफिक जाम, क्या लगता है? सारी बसें चलती रहेंगी?
सारी बसें चलेगी नहीं चलेगी, तो बता आपको समझ आ गया कि अगर मैंने यहां कहीं भी क्या कर दिया, कहीं भी मैंने जाम लगा दिया, इसका मतलब पूरा सिस्टम आपका क्या होने वाला है, या तो उसको ब्लड मिलेगा तो कम मिलेगा। सफिशियंट ब्लड अगर आपके बॉडी सेल्स को नहीं मिलेगा तो बॉडी सेल्स को क्या नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। सफिशियंट क्या नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। तो भाई किसी को अगर खुराक नहीं देगी तो वो क्या होगा, सस्टेन करेगा नहीं करेगा ना। जिस चीज को आप खुराक नहीं दे रहे वो कितने दिन जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। धीरे धीरे आपके बॉडी के एक एक पार्ट क्या होने शुरू हो जाएंगे, डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें, सिंपलेस्ट फॉर्म कि अगर रिंग रोड है, रिंग रोड में आपने कहीं भी जाम लगा दिया, तो यहां पे सारे के सारे जो बसेस हैं, कार्स हैं, वो चलना बंद हो जाएगी। लाइकवाइज अगर हमने यहां पे कहीं भी इकट्ठा कर दिया कुछ भी, अब इकट्ठा क्या होना है, या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना, सही है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपने यहां इकट्ठा कर दिया तो बिल्कुल रिंग रोड की ट्रैफिक वाली बात है, सारा सर्कुलेशन क्या हो गया, बंद हो गया, क्या होगा, हार्ट अटैक, क्या होगा। अगर यही सेम चीज हार्ट के आसपास, देखिए एक खास बात है, जैसे कहते हैं ना चिराग तले अंधेरा, सुना है ना, इसी तरह से हार्ट के अंदर ये ब्लड्स होते हैं ना, लेकिन इस ब्लड को कभी भी हार्ट यूज नहीं करते। जिस तरह बाकी सेल्स को ब्लड जा रहा है, ऐसी हार्ट के सेल को भी अलग से ब्लड जाना होता है। अगर आप सोचेंगे कि जी चिराग है, चिराग तेरा अंधेरा है, होते हैं ब्लड, तो इसके अंदर ब्लड ही ब्लड है, फिर हम क्यों कहते हैं कि हार्ट को ब्लड नहीं मिला तो हार्ट अटैक बोलते हैं, कि भाई ये इसके भी सेल्स को ऐसे ही ब्लड मिलना है जैसे बॉडी के बाकी सेल्स को। अब हार्ट के ऐसे सेल्स के लिए जो आर्टरीज होती है उसको हम लोग नाम देते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम देते हैं, कोरोनरी आर्टरी। अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, ये ब्लॉकेज हो गया, तो अब क्या लग रहा है, ब्लड जा सकता है। अगर ब्लड नहीं जाएगा या ब्लड कम जाएगा तो आपको क्या होना शुरू हो जाएगा, आप एक सिंपल सी बात करता हूं, यू आर सफर फ्रॉम हाई बीपी। अब इसको मैं ब्रेकअप कर देता हूं, हाई बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। प्रेशर को आपने छठी क्लास सातवीं क्लास में आपने पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, आपको पता है ये क्या है, रेसिप्रोकल है। अगर ये कम हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एरिया यहाँ पे क्या हो गया, एरिया कम हो गया, और एरिया कम हो गया तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, समझ में। तो ये जो फोर्स आपका आर्टरीज पे, आर्टरीज के एरिया पे जो ब्लड का फोर्स है, फोर्स ऑन एरिया इज व्हाट, प्रेशर, और ज्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर, समझ आ गया। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, अब आपको कोई कहता है हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, या कई सारे लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं हाइपरटेंशन, तो गलती से भी इसका मीनिंग टेंशन मत लगा लेता। कई जगह डिबेट कंपटीशन में मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं कि ये हाइपरटेंशन का टॉपिक दिया गया, और जब वो बोलना शुरू करता है तो सारा टेंशन ही टेंशन बोलने लग जाता है। That is not tension, that is not stress. Hypertension is another name of तो वहां पे टेंशन नहीं डिस्क्राइब करने लग जाए, तो आप समझ सकते हैं अगर हम टेंशन बोलेंगे तो हमारा इंप्रेशन क्या हो जाएगा। वो बेचारा हाइपरटेंशन बोल रहा है, हम उसको कहते हैं चिंता मत कर, टेंशन कम ले, टेंशन कम ले, भाई टेंशन कम ले, फिर तो आपका लिया हुआ सामान ले लेगा, ले लेगा नहीं लेगा ना। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें चीज पता हो क्या होने वाला है। अब सबसे पहला काम हमारा यहां पे क्या है कि ये चीज हट जाए। अब ये जो प्लाग है, इसको क्या बोलते हैं, PLA, क्या बोलते हैं? तो ये जो प्लाग है ये किसी तरह से हट जाए, और इसको हटाने के लिए सबसे अच्छा चीज हमारे पास अगर विटामिन्स में है तो विटामिन सी, विटामिन सी। अगर विटामिन सी अगर आप देते हो किसी को, प्लस में मैंने अभी बोला क्या, क्रोमियम,
अगर आप ये दो चीज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे धीरे 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 वो प्लाग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जैसे ही ये प्लाग हटा तो हाइपरटेंशन आ गया, उसका बीपी नॉर्मल आना शुरू हो गया। बीपी नॉर्मल आना शुरू होने का मतलब ये जो रिंग रोड में आपका ट्रैफिक लग गया था जिसकी वजह से सारी बसें और कार चलना बंद हो गई थी, अब यहाँ पे भी क्या होगा, वो ट्रैफिक गई, ट्रैफिक जाते ही क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। और ये आपको विटामिन सी और क्रोमियम कौन दे रहा है आपको, आंवला दे रहा है। इसका मतलब अब आप कॉन्फिडेंटली आंवला किस केस में दे सकते हैं, बीपी हाई केस में दे सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर? तो ये आपको एक एक केस आपको डिफाइंड हो गया कि हाँ जी हम हाई ब्लड प्रेशर में क्या दे सकते हैं, आंवला दे सकते हैं। अब हम पहले हाई ब्लड प्रेशर को डील करते हैं, फिर बाकी चीजों को अटेंड करते हैं। सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है, एलोवेरा में हमारे पास, एलोवेरा आपने देखा, एलोवेरा मार्केट में सबसे फाइटिंग जो चीज आपके सामने आने वाली है एलोवेरा के लिए, वो आने वाली है जी मार्केट में रामदेव का एलोवेरा 200 रुपए में, 200 रुपए में। सर आप ये सोच के देखो, एक एलोवेरा, सर ने अभी बोला मैंने घर में पौधा लगा रखा है, उस पौधे में मुझे नहीं लगता 5 पत्ती से ज्यादा होगी, 4-5 पत्तियां होती है, उस 4-5 पत्तियों का अगर आप जेल निकाल लो तो क्या 1 लीटर एलोवेरा बन जाएगा? उस पौधे को भी खरीदने जाओ ना तो पता लगा 50 रुपए ले लेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 100 रुपए में आपको एलोवेरा मिल जाए? 100 रुपए में एलोवेरा आपको नहीं मिल सकता, मिलेगा क्या? बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे जंगल में, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिस प्लांट में ना ऐसे गम्स निकलते रहते हैं, इस तरह गम्स, ठीक है, व्हाइट व्हाइट गम्स निकलते रहते हैं, उन गम्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, थोड़ा बहुत एलोवेरा उसमें ऐड किया जाता है और उसमें पानी मिला दिया जाता है, हाई टेम्परेचर में बॉयल करके, हाई बहुत चेंज करके, फिर उसकी जो पैकिंग होती है वो मार्केट में एलोवेरा होती है। क्योंकि जितनी सप्लाई एलोवेरा की है, जितनी उनकी सप्लाई एलोवेरा की, उतना एलोवेरा तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो 6 महीने में नहीं क्रिएट होता जितना 1 महीने में उनका बिकता है, तो ये एलोवेरा आधा से जाता है। तो चिंता करने की बात नहीं है कि अगर हमारा एलोवेरा महंगा है, महंगा मीन्स बीच में भी, क्योंकि 4 ml का एलोवेरा तो हम देखेंगे तो 1500 हम तो 3 पैक ला सकते हैं उसके, ला सकते हैं। तो कंपैरिजन अगर हमें करना है तो हमें देखना है कि मार्केट में अगर हमारे जैसा एलोवेरा, सेम एलोवेरा अगर 1500 रुपए का मिल रहा है और हमारे यहाँ 500 का मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन हम वैसा घटिया एलोवेरा भी नहीं रख सकते जो लोग 100 रुपए की बात करते हैं। तो आपके पास बहुत सही चीज है, जवाब देने के लिए आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। सबसे पहले जरूरी है कि जो मार्केट में कंपटीटर है हमारे, उसके पास क्या है, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमारा प्रोडक्ट उससे कैसे अच्छा है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकते। मार्केट में अगर आपको ग्रो करना है तो आपको सबसे पहले अपने कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा कि उन कंपटीटर्स के पास क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव है। अगर वो हम जान गए तो हमारे सामने कोई भी कंसल्टेंट, किसी भी कंपनी का कंसल्टेंट आकर आता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें हमारी क्वालिटी, समीर मोदी जी के साथ खास बात है, सामान जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं समय जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हमने पर्सनली यूज करके देखा है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम कोई डिफेक्ट निकाल सकते। समय लगता है चीजों में, टाइम लगेगा आने में, अच्छी क्वालिटी का चीज 1 मिनट में नहीं आ सकती, क्लियर? अब कहते हैं कि एलोवेरा के बारे में बात करें तो एलोवेरा में सबसे एक फैंटास्टिक बात अगर है जो मार्केट में एलोवेरा खरीद के आप लाते हो, उसकी वजह पता है आपको खुद, एलोवेरा खरीद के क्यों लाते हो, कि बेस्ट क्या होते हो, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एलोवेरा में। तो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रेडिकल्स को, फ्री रेडिकल्स को बॉडी के अंदर नहीं आने देते, और अगर आता भी है तो उसको एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर लेना होता है। तो जब आपका रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो हार्ट के सेल को उसने क्या करना होता है, उसने सेल को डैमेज करना होता है, और सारा ब्लड जा कहां से रहा है, इसी हार्ट ने बार बार पंप करना है, वो बार बार फ्री रेडिकल्स यहां आ रहा है, बार बार आपको हार्ट की प्रॉब्लम के लिए क्रिएट कर रहा है सिचुएशन।
तो एलोवेरा का काम सबसे जबरदस्त जो काम है वो क्या है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको देना हो तो आप फ्री हैंडेड क्या दे सकते हैं, एलोवेरा दे सकते हैं। समझ आ गई? तो एक कॉम्बिनेशन आपके सामने निकल गया है, क्या कॉम्बिनेशन निकल गया है, एलोवेरा और अगर आप उसको एलोवेरा दे रहे हैं मॉर्निंग में 6 बजे एलोवेरा दे रहे हैं तो आप 6:30 बजे क्या दे दें, दोनों कॉम्बिनेशन दे जाओगे, ठीक है? तो आप इसको आधे घंटे के गैप में आप इसको। तीसरा प्रोडक्ट है हनी, ये सिर्फ हार्ट की बात हो रही है और इनके इंडिविजुअल यूजेस हम और भी देखेंगे अभी। अब हनी के बारे में बात करते हैं, तो देखिए हनी में, ये हनी के बारे में खास बात करें तो हनी के साथ क्या होता है, आपने आंवला लिया और हनी का कॉम्बिनेशन बनाया और गुनगुने पानी में आपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया, गर्म पानी आपने लिया उसमें आपने 20 ml से 30 ml आंवला का जूस डाला और डालने के बाद आपने उसमें हनी मिलाया, हनी मिलाने के बाद मॉर्निंग आवर्स में उसको अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट ड्रिंक इसको दे दो। जैसी फर्स्ट ड्रिंक आप इसको दोगे इसका सबसे पहला काम क्या होना है, कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करे एज ए लक्सेटिव। सर जो लोग मोनी भी ले रहे हैं, अभी हम टॉपिक के हम क्वेश्चन बीच में बनते हैं। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, आंवला प्लस हनी गुनगुना हमने दिया, कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया, रिलीफ हो गया, बिकॉज आंवला में जो विटामिन सी होता है इसको हम लग्जेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे लग्जेटिव के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें मार्केट से खाते रहते हैं, अगर हम आंवला खाते हैं तो हमें किसी लग्जेटिव की जरूरत नहीं। एक और खास बात देखिए आंवला में, मैं आपको बताता हूँ आंवला में एक खास बात होती है, जैसे फ्लेक्स ऑयल में मैंने आपको एक खास बताई थी कि आंवला में लग्जेटिव होने के बावजूद भी ये दोनों केसेस में वर्क करती है, कॉन्स्टिपेशन में भी, डायरिया, डायरिया में वर्क करने की वजह क्या है, इसका जो फाइबर है आंवला का जो फाइबर होता है वो स्टूल का बल्क फॉर्म करता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होता है, और इसी के साथ साथ ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया दोनों में से कोई भी डिजीज है अगर विटामिन सी देना शुरू करो आप देखो फ्लेक्स ऑयल एग्जैक्टली फ्लेक्स ऑयल की तरह दोनों में आराम आना शुरू। कॉन्स्टिपेशन पेशेंट का गया, देखिए कॉन्स्टिपेशन का एक केस बताता हूं, एक केस अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन मीन्स लगभग 1.5 साल के करीब की बात है, 1.5 साल पहले पेशेंट आया और इसको मैरिज को 13 ईयर्स हो गए, 13 साल शादी को हो गए इस लेडी को और इसको बच्चे नहीं हो रहे थे, सारा इलाज करा लिया सब कुछ करा लिया लेकिन इसको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही। इस लेडी को हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ क्या किया, एक थेरेपी होती है गोल्डन थेरेपी, जैसे यहां कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हुआ ठीक है इंस्टेंट हमें कुछ करना था, हमने क्या किया सीधा उठा के वही काम किया, हमने क्या किया पूरा इंटेस्टाइन को क्या करते क्लीन कर, 40 मिनट के अंदर पूरा इंटेस्टाइन क्लीन हुआ इसका और आप हैरान हो जाएंगे इतना इलाज कर चुकी है और इसके बाद अगले महीने वो कंसीव हो। समझ आ रही है मेरे को ये कितनी खतरनाक बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में एक कहावत है, कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, हर बीमारी की जननी कौन है, कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन है, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन की भी अगर बात करें तो कॉन्स्टिपेशन की बड़ी बड़ी कंफ्यूजन सिचुएशन है। देखिए अभी एक आया मेरे पास, वो कहता है जी मैंने पेट के दर्द है, कहता जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बताओ तो सही, बहुत बढ़िया। तो कहते जी सुबह उठता हूँ बिल्कुल, उसके बाद फिर आता हूँ गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद फिर उसके बाद कहते जब नाश्ता करता हूँ नाश्ता करके फिर तो कहते ये क्या लगता है उसको, वो इतना कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट कि मेरा पेट तो बहुत ही जबरदस्त बढ़िया साफ हो रहा है, उठते साथ जाता हूँ। भाई कॉन्स्टिपेशन ये दो तरह के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, दो तरह के कॉन्स्टिपेशन होते हैं, एक तो आए ना और एक जाते ही है।
तो कहते हैं सर ये दोनों केसेस अगर है, दोनों कॉन्स्टिपेशन के केसेस है, पेट का सीधा सीधा मामला है, आप उठे, आपने पानी पिया है नहीं पिया, तुरंत आप मोशन के लिए गए, पता लगा कई सारे लोग सिगरेट सिगरेट ले लेंगे, बाथरूम में बैठ जाएंगे, न्यूज़पेपर लेके बाथरूम में चले जाएंगे, भाई न्यूज़पेपर में बाथरूम में जाएंगे तो आपका दिमाग किधर किधर लगा हुआ है, न्यूज़पेपर में तो दिमाग न्यूज़पेपर में लगा हुआ है तो स्टूल बाहर कैसे आएगा, दिमाग आपको कहां लगाना है, यहां लगाना इंटेस्टाइन में, उस समय दिमाग न्यूज़पेपर में लगा हुआ है, अब जब बोल ही नहीं रहे आजा भाई आजा तो भाई सीधी सीधी बात है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है या तो बिल्कुल ही ना आए और बार बार आए तो भी लगता है, कॉन्स्टिपेशन अगर नहीं है तो उस बंदे का नहीं है जो सुबह उठा बाथरूम गया हजम, और अगर और भी ज्यादा है तो शाम को एक बार, इसका मतलब है उसका इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क कर रहा है, और नहीं कर रहा तो फिर हमारे पास हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है, और इस हथियार के बारे में मैंने डिटॉक्स में भी आपको बताया था कि डिटॉक्स में एक चीज हमारे पास क्या है, त्रिफला, और त्रिफला इज कंपोज्ड ऑफ आंवला हरहर और बहरा, वहां पे भी उसको कमाल अगर दिखाता है कोई तो आंवला ही, और उस समय मेरे पास डेफिशिएंसी थी कि मेरे पास आंवला यहां लेकिन फिर आंवला वहां ढूंढा कहां था, तो बात समझ आ रही है आपको, तो कहते हैं सबसे पहले हम लोगों को रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन क्या हो जाए रिलीफ, और इसके लिए बेहतरीन चीज आपके पास क्या है, आंवला, आपको समझ आया आंवला क्या काम है, कहते हैं दूसरा इससे क्या करना है, आंवला ने इमीडिएट आपका मेटाबॉलिक वेट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, मेटाबॉलिक वेट कैसे बढ़ता है, डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपने बड़ा कहानी सुना होगा पार्कों में बीएमआर एक मशीन लगा रहे छोटी सी मशीन लगा के उस पर खड़ा कर देंगे आपको और वो चेक करके बताएंगे इधर उधर, छोटे बच्चों को बिल्कुल नहीं खड़ा करेंगे, कहना भैया ऐसे करो मुझे तो खड़ा कर दिया छोटे बच्चे को भी खड़ा कर दो, वो बिल्कुल किसी कीमत में भी छोटे बच्चे को वहां नहीं खड़ा करेंगे, क्योंकि उनकी मशीन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जैसी वो एक पर्टिकुलर हाइट डालेंगे सबसे बड़ी कहानी जो लोग हथियार बना के आपको 5-5, 6-6 हजार का प्रोडक्ट दे रहे, हम नाम नहीं बोलने की जरूरत है, देते हैं बहुत सारे तो कहते हैं सर ये आपका सबसे पहली बात क्या होता है जी, डाइजेशन को क्या करता है, इंप्रूव कर देता है, बीएमआर को बढ़ा देता है, और जैसे ही बीएमआर आपका बढ़ता है इमीडिएट धड़ाधड़ वजन कम होने लगता है, अगर आपका वजन कम हो गया तो हार्ट प्रॉब्लम आपको आ सकती है, 5% केस है ऐसे लोग होते हैं जो पतले दुबले होते हैं उसको हार्ट अटैक आता है ना, तो पतले दुबले को हार्ट अटैक क्यों आता है वो भी बताता हूं, कहते हैं जी सब क्या बताया मैंने, डाइजेशन को क्या करता है, इंप्रूव करता है, आपने ऐसा देखा होगा अपने आसपास कई सारे लोगों को जो खूब खाते हैं लेकिन उसके बाद भी देखते हैं एकदम स्लिम ट्रिम है, हमें लगता है यार हम तो कुछ नहीं खाते, ये तो बहुत खाते हैं फिर भी स्लिम ट्रिम है, कहते स्लिम ट्रिम होने की वजह क्या है, उसका बीएमआर क्या है, प्रॉपर है, बीएमआर का मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट, क्या बोलते हैं, या वेसल मेटाबॉलिक रेट, क्या बोलते हैं, वेसल मेटाबॉलिक रेट, समझ आ रही मेरी बात, तो कहते हैं बीएमआर बढ़ाने के लिए हमारे पास सब क्या अस्त्र है, आंवला, समझ आ गई नहीं आ गई, क्लियर है, yes. इसमें कोई दिक्कत है, no. देखिए अब अनदर यूजेस को हम लोग देखते हैं, और एक चीज आपको मैं बताऊं सबसे बेहतरीन बात आंवला के साथ, ये बीटा सेल रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, बीटा सेल रिलीज करता है, और ये बीटा सेल ये आपके डाइजेशन को क्या कर देता है, इंप्रूव कर देता है, इंक्रीजेस, सबसे खास बात आंवला की यही होती है,
समझ आई क्लियर। दूसरी बात है आज के टाइम जो रेक्टल और कोलन कैंसर होते हैं, रेक्टम में, रेक्टम क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का लास्ट का हिस्सा होता है जहां स्टूल स्टोर होता है उसको कहते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं? और उसके ऊपर होता है कोलन। क्या होता है? कोलन। तो कहते हैं रेक्टम, रेक्टल कोलन कैंसर आज के टाइम में बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फीमेल्स में अगर बात करें तो यूटीआई इंफेक्शन बहुत ज्यादा है, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, यूटीआई इंफेक्शन। कहता है ये दोनों केसेस, ये दोनों केसेस की वजह पता क्या होती है, रेक्टल कोलन कैंसर का क्लियर कट एविडेंस, क्लियर कट कॉज क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन। अब देखो आप एक सिंपल बात करते हैं, जैसी बॉडी से टॉयलेट पास आउट होता है तुरंत क्या करते हैं, पानी डालते हैं, बर्दाश्त हो रहा है उसकी, उसकी बदबू बर्दाश्त होती है नहीं। दिमाग लगाया आपने, जब बॉडी से बाहर आके एक मिनट आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, पांच दिन से टॉयलेट नहीं गए आप, अंदर क्या कर रहा हो, फिर हम कहते हैं जी हमारे को क्या हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, कोई कहता है जी मेरे कमर में दर्द हो रहा है, कोई कहता है जी मेरे को सर्वाइकल हो गया। अरे भाई ये सर्वाइकल कमर दर्द क्यों हो गया आपको, कहता है वहां से जो जो स्टूल है उससे गैस तो निकलती रहती है, वो जो गैस है वो गैस जहां भी उसको क्या मिलता है, जगह मिलती है, वहां पे प्रेशर डालने लग जाती है। प्रेशर तो पता ही आपको, आपको गैस का प्रेशर होता ना, तो प्रेशर कुकर रोज देख लो, रोज प्रेशर कुकर को देखते हो, गैस निकल दो छटका मारती है या जबरदस्त मारती है, तो भाई वो जो आपका गैस है कॉन्स्टिपेशन है और वो निकल नहीं रहा, कई सारे लोग कहते हैं मेरे को गैस पास ही होता है, अब गैस पास कहां हो, गैस तो जाएगा इकट्ठा हो गया, और जहां इकट्ठा हो गया वहां पे उसने क्या क्रिएट करना है, प्रेशर क्रिएट करना है। और आपको पता है ये जो स्पाइन है ना आपकी स्पाइन, ये जो स्पाइन है आपकी, इस स्पाइन से क्या निकल रही है, दोनों साइड नर्व्स निकल रही है, क्या निकल रही है, दोनों साइड नर्व्स निकलती है, 31 पेयर नर्व्स स्पाइन से निकलती है, 31 इधर 31 इधर, और दिमाग में इधर 12 और इधर 12, क्रेनियल नर्व बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्पाइनल नर्व, ब्रेन से निकलते बोलते हैं क्रेनियल नर्व, क्या बोलते हैं। अब भाई गैस यहां इकट्ठी हो गई, गैस यहां सर्वाइकल वाले जगह पे इकट्ठी हो गई, नर्व्स के ऊपर अगर प्रेशर पड़ेगा तो वो नर्व जहां तक जाएगी ना वहां तक पेन हो। कहता है जी सर्वाइकल वाला कहता है सर यहां से लेके ना यहां तक दर्द, मैं बोलता रहा, मैं मुंह दूसरी तरफ कर देता तो बोलता रहा भाई, वो नहीं उसको तो रोक ही नहीं सकते आप, ये नर्व जहां तक जाएगी ना वहां तक दर्द। कई सारे लोग बोलते हैं जी मुझे तो सियाटिका हो गया सर डॉक्टर साहब, यहां से कमर से शुरू होता है दर्द, एक घूम के यहां से यहां तक आए, भाई क्या करें, कॉन्स्टिपेशन क्या करें, हटा दे कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन कैसे हटाए, समझ आ गया। तो अब आप ये समझ आ गया कि अगर आपके पास हार्ट का केस आता है या आपके पास पेन का केस आता है तो सबसे पहले आप क्या हटाने वाले हैं उसका, कॉन्स्टिपेशन। अगर उसका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ हो गया और एलोवेरा और आंवला और साथ में जो ये हनी है ना, हनी ये जबरदस्त काम करती है। अब देखो हनी क्या करेगी, ये जो हनी हमने दिया ये क्या करेगी, आंवला गया लग्जेटिव है, लग्जेटिव ने वहां से गंध को हटाया, उसे गंध हटाया और हनी ने क्या बना दिया, वहां क्लियर बना दिया, मधुम का काम कर दिया, कैसे कर दिया, मधुम का काम कर दिया, और आपके गंध हटने के बाद भी वहां आपको इरिटेशन नहीं। तो हनी का जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे आप, जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनेगा आंवला के साथ, आंवला ने गंध हटाते जाना है और हनी ने क्या करते जाना, पॉलिश लगाते जाना, समझ आ गई। तो कहते हैं जी ये खास बात है इसका, अब आपको समझ आ गया, क्लियर कॉम्बिनेशन, कोई डाउट है इसमें, सही है। अब देखिए जी, अब हम हार्ट वाले केसेस को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, डिटेल हार्ट का अगर हम उठाएंगे तो बहुत 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 बड़ी क्लास हो जाएगी, तो कभी उसको भी ले लेंगे, सिर्फ हार्ट ही लेंगे, फिर हम डिजीजेस को लेंगे, फिर हम प्रोडक्ट को लेंगे। आज हमारा मुद्दा है मेन प्रोडक्ट, ये जस्ट लॉन्च हुआ है, हमें उस बीबी भी बढ़ाना है
और हमें दूसरे को दिखाना भी है कि हमारा जो वेलनेस का प्रोडक्ट है वो कैसा है। अब हम बात करते हैं जी आंवला की, वापस बात करते हैं। सबसे पहले बात, खास बात, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी। अगर आप कोई बुड्ढा होना चाहते हैं, कोई बुड्ढा होना चाहता है तो बुड्ढा नहीं होने के लिए हमारे पास एक ही चीज है, अगर आप आंवला खाते रहिए तो सर ये आपको मैं गारंटी देता हूं बुड्ढा तो सब होगा, लेकिन आप भी 60 साल के बुड्ढे, आपका दोस्त भी 60 साल का बुड्ढा, जब दोनों पास पास खड़े होंगे ना तब समझ आएगा जवान कौन है और बुड्ढा। 20 साल के लड़के से तो कंपेरिजन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हमारे बराबर का बंदा आपके पास में खड़ा हो ना तब उसको पता लगेगा आंवला ने क्या किया। समझ आ गई बात? तो आंवला ने क्या करना है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होता है ये आपके बॉडी के अंदर, अभी मैंने बताया फ्री रेडिकल्स को वर्क नहीं करने देगा, और फ्री रेडिकल वर्क करेगा नहीं बॉडी में और आपके सेल्स खराब होंगे नहीं, और सेल्स अगर खराब नहीं होंगे तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, धीरे धीरे आपकी बॉडी इतनी जल्दी डिटोरिएट नहीं होगी। क्या नहीं होगी? देखिए एजिंग क्या होता है, बॉडी के अंदर एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब मेकिंग, आप सिंपल भाषा में, और इसका मतलब डिस्ट्रॉय। आपकी बॉडी के अंदर रोज लाखों सेल बनते हैं और लाखों सेल क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, है ना। और इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, एक वर्ड आपको तकलीफ देता हूं जब आप बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, दोनों के सिंगल वर्ड होता है मेटाबॉलिज्म। समझ आ गई बात? अब कहते हैं छोटे बच्चों में क्या होता है, एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है कैटाबॉलिज्म कम होता है। आप क्या देखते हैं उसका इतना सा पैदा हुआ दर 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 इतना बड़ा हो गया, सही है। और जब एक पर्टिकुलर हाइट आ जाती है आपकी तो उसके बाद उल्टा होना शुरू हो जाता है, एनाबॉलिज्म कम और कैटाबॉलिज्म, सेल्स जितने आपके मर रहे हैं उतने आपके सेल बन गए, धीरे 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 बॉडी में जो भी ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन्स जितने भी ऑर्गन्स है, लीवर किडनी जो भी है, उसके सेल्स धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे, डेड होने जाएंगे, और आपको तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। इस तकलीफ को अगर कम करना है तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी कौन रखता है, अगर आपको चेहरे पे झुर्रियां नहीं चाहिए, चेहरे पे ग्लो चाहिए, चेहरे पे आपको पिंपल नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, पिंपल नहीं चाहिए सिंपल चेहरा चाहिए, तो बेस्ट आपके पास आंवला है। अगर आप 20 ml से लेकर 30 ml आज से आंवला शुरू कर दो तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे पे एक भी निशान नहीं रहेगा। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है डिसमेनोरिया। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, आज आम आम तकलीफ रिलीज को क्या होती है, डिसमेनोरिया की होती है। डिसमेनोरिया का मतलब होता है डिफिकल्ट मेंसुरेशन, बहुत ज्यादा क्या होता है, पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। अब इतना ज्यादा अगर पेन आपको होता है अब आप क्या करें, है ना, डॉक्टर्स के पास हम धक्का खाते रहते हैं और हमारे को समझ नहीं आता डिसमेनोरिया का इलाज क्या है। बहुत ही भयंकर पेन होता है, मतलब इतना इतना ज्यादा भयंकर पेन होता है जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। और अगर हम आंवला लेना शुरू करें तो आप देखेंगे दो से तीन महीने के अंदर डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम आधी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम आधी होने का मतलब ये नहीं कि आप समोसे खा लेंगे मार्केट में जाके, ठीक है, और पता लगा जी आप क्या खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं मार्केट में जाके, आप बहुत ज्यादा लाल मिर्च खा रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म मसाले खा रहे हैं, फिर हमारा ये आंवला काम नहीं करेगा। अगर आपको आंवला की प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल करना है तो आपको वो चीज भी हटानी पड़ेगी जो उस बीमारी को बार बार बढ़ा रही, और बढ़ाती कौन है डिसमेनोरिया को, तली हुई चीजें, मिर्च, मैदा। अगर ये कम कर दे और आंवला बढ़ा दे तो आप देखेंगे 2 महीने के अंदर आपको डिसमेनोरिया की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी।
ये आपका है, ठीक है। अभी तीसरी है इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। अगर किसी को बच्चे नहीं हो रहे, अब बच्चे नहीं होने की वजह, अगर हम मेल की बात करें, फीमेल और मेल दोनों की बताता हूं, मेल और फीमेल की बात करें, मेल में आप देखिए स्पर्म काउंट नहीं आ रहा। अब स्पर्म काउंट नहीं आने की वजह पता है क्या है? डॉक्टर आपको बोलेगा टेस्टिकुलर बायोप्सी कराओ। टेस्टिकुलर बायोप्सी कराएंगे, पता लगा जी टेस्टिस में स्पर्म तो बन रहा है, लेकिन ये जो नली है, इस नली से जो स्पर्म आना है ये यहां पर जाम हो गई। डॉक्टर कहा जा बेटा 2 लाख रुपए दे, फिर ऑपरेशन कर दे। समझ आ गई बात? अब कहता है ये क्या है, यहां पे क्या है? लालच। क्या है? कैसे ठीक कर सकते हैं? समझ आ गई बात? में कोई भी ब्लॉकेज निकालना हो, चाहे आपका हार्ट का ब्लॉकेज निकालना हो, चाहे स्पर्म काउंट काम हो गया, स्पर्म वहां पे जा नहीं रहा, तो भी आप क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? इस ब्लॉकेज को निकाल सकते हैं आप। बस समझ आ गई बात? ऐसी फीमेल्स में हम लोग ने सुना होगा फेलोपियन ट्यूब में क्या है? ब्लॉकेज है। फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, आप आंवला दो, ब्लॉकेज निकल जाए। समझ आ गई बात? तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बच्चा नहीं हो रहा, पागल बने पड़े, कभी किसी पंडित के पास जाते हैं, कभी किसी जादू वाले के पास जाते हैं, कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं। भाई भटकने की जरूरत क्या है? हमारे साधु बाबा हमारे पास आ गया। आप ब्लॉकेज के लिए आंवला दे के देखो ना, अगर आप आंवला देते हो तो मैं गारंटी देता हूं वो बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कायल ना हो। इधर कायल होना, सही कायल होना, आंवला आपको सही कायल करवा देगा। इतना जबरदस्त चीज है ये चीज। समझ आ गई? yes. कोई डाउट है? याद करा रहा हूं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम, और अभी बताया था हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो। क्लियर?